टेंथ का फिजिक्स है, लाइट चैप्टर पार्ट 4। टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटर शब्द का हिंदी जानता है तू लोग? हाँ। क्या होता है? छितराना। स्कैटर मतलब होता है छितराना। छितराना किसको कहते हैं बोलो? देखो ऐसे इसको समझो, जैसे किसान को खाद छींटते हुए सब देखा है, मैक्सिमम किसान का ही बच्चा है। एक होता है मान लो हम मुट्ठी में चीनी लिए, चावल लिए, गेहूं कुछ भी ले लो, इसको सीधे गिराओ तो नीचे की ओर गिरेगा, देखना एक सरल रेखा जैसे। मान लो एक हाथ में चीनी ले करके इसको गिराओगे तो ये सीधे गिरेगा। ऐसे ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में मान करके चलो चीनी, नमक, गेहूं कुछ भी रखा हुआ है, तो इस बर्तन में यहाँ पर छेद कर दो। ये बर्तन स्टैंड पर रखा हुआ है तो यहाँ जो छेद किए, अब इसमें चीनी जो है देखना ऐसे नीचे की ओर गिरता है, जो कुछ भी है। ऐसा नहीं जो ऐसे गिरा ऐसे गिरा, इस ढंग से तो नहीं गिरता है। तो ये जो है जो सीधे गिरता है एक सरल रेखा में, उसको छितराना नहीं कहते हैं। हाथ में चावल ले लो ऐसे फेंकोगे तो फैल जाएगा चारों तरफ, तो वो हुआ छितराना। किसान जब खाद को छींट रहा होता है खेत में, इस स्टाइल में देता है, यानी खाद को हम लोग स्कैटर करते हैं, छितराना। तो छितराना शब्द समझा? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश की किरण या प्रकाश बोलो सीधी रेखा में गमन करती है। कहने का अर्थ यह है ये सूर्य है, तो सूर्य से निकलने वाली किरण, ऐसे ऐसी बात नहीं जो यहाँ से निकला फिर जैसे मन हुआ वैसे चला गया, बिल्कुल सीधी रेखा में प्रकाश गमन करता है। यानी यहाँ से निकलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में चलेगी। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है का अर्थ हुआ प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और किरण की परिभाषा इसके बाद बतलाएंगे, लेकिन जान लो प्रकाश की किरण जिस पथ पर चलता है, प्रकाश की किरण जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण कहते हैं। तो ये सूर्य है, इससे निकलने और ये हमारी पृथ्वी है, तो इससे निकलने वाली किरणें सीधे पृथ्वी पर आएगी। अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं, ये मान लो कल्पना करो टॉर्च है, इसको जलाए स्विच ऑन किए, तो इससे जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं आगे में ऐसे हाथ रख देंगे तो ये किरणें आगे में जाएगी नहीं जाएगी। तो प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल से होकर के सभी दिशाओं में फैलता है, वायुमंडल से होकर के प्रकाश की किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी के चारों ओर तो वायुमंडल है, और वायुमंडल का वायु वास्तव में क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और कोई भी गैस पदार्थ है, पदार्थ कणों के बने होते हैं ना। वायुमंडल में वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, और ये गैस किस अवस्था में रहता है? तो अणु की अवस्था में, यानी सूक्ष्म कणों के रूप में ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। वायुमंडल में धूलकण भी है। तो इस ढंग से अगर प्रकाश की किरणें सूर्य से चलती है तो वायुमंडल में जब प्रवेश करती है, अब वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसे हम लोग हवा कहते हैं, तो ये हवा के कण से तो टकराएगा ना। धूलकण है वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस मिला हुआ है तो इसका अणु फैला हुआ है पूरे वायुमंडल में। तो प्रकाश की किरणें जब इससे टकराती है, वायुमंडल के कणों से टकराएगी। अब इसको ऐसे समझो, अगर हम लोग अब देखो जैसे यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ से अगर अनाज हम लोग गिराएंगे तो सीधे गिरेगा, इस बर्तन में अनाज है, इसमें छिद्र कर दिए
तो इससे गिरने वाला अनाज बिल्कुल सीधे नीचे की ओर गिरेगा ना, समझ। तो उस अगर रास्ते में हम लोग यहाँ पर कोई वस्तु रख दे, ऊपर से गिराओगे, यहाँ पर हाथ है तो चारों ओर छितराएगा। हाँ। तो इसी छितराना को प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग। यहाँ है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर हम लोग 100 ग्राम चीनी ले ले अपने मुट्ठी में, ऊपर से नीचे गिराएंगे तो सरल रेखा के रूप में, मोटी सरल रेखा के रूप में गिरेगा। उसी चीनी के नीचे में ऐसे हाथ दे दे तो यहाँ तक तो सीधे आएगा, जब इस पर पड़ेगा तो इस दिशा में, इस दिशा में, सभी दिशाओं में छितराएगा। तो इसे कहेंगे चीनी का स्कैटरिंग। अगर चावल गिराएंगे तो सीधे गिरेगा, नीचे में एक डिस्टर्बेंस है, हाथ दो या कोई पिंड रख दो तो ये गिरता हुआ अनाज जो है चारों ओर छितराएगा। तो ये हो गया अनाज का स्कैटरिंग, प्रकीर्णन। तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पर आने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, जिस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का अणु है। अणु मतलब सूक्ष्म कण है, धूल कण है। तो आप कल्पना करो, यहाँ पर ये धूल के कण है, यानी धूल कण है या किसी गैस का अणु है, ये सन सूर्य है। तो यहाँ से ये किरण चलती है, विभिन्न दिशाओं में चलती है। तो सभी दिशाओं में चलती है तो ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो पूरे वायुमंडल ही विभिन्न गैसों के अणु से, सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर ये धूल का कण है, धूल कण। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलेगी, ये तीर का निशान बतलाता है इस ओर चल रहा है प्रकाश का किरण, यहाँ पर तीर देंगे तो इस ओर जा रहा है। डायरेक्शन प्रकाश की किरण का दिशा बतलाता है तीर का निशान। अब यहाँ से ये मान लो इस धूल कण का नाम हम लोग ए रख दिए, तो प्रकाश की किरणों का कुछ भाग ये धूल के कण या वायु के अणु अवशोषित कर लेते हैं। हम ही लोग जब धूप में रहते हैं तो हम लोगों को गर्म लगता है, लगता है जी, क्यों? क्योंकि हमारा शरीर सूर्य के किरण का कुछ भाग आंशिक रूप से यानी कुछ अवशोषित कर लेता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें गर्मी प्रदान करती है, लेकिन अधिकांश भागों को लौटा देता है। कुछ अवशोषित कर लिया, अवशोषित करना समझता है ना, और कुछ भागों को लौटा देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। तो इस धूलकण पर जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो इस किरण का कुछ भाग इसको अवशोषित कर लेगा और शेष भाग को छितरा देगा वायुमंडल में, समझा? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, इसको आदमी मान लो, ऊपर से पानी गिराओ तो पानी गिराओगे तो उसका ऊपर वाला भाग, मस्तक जो है, कुछ पानी को अवशोषित कर लेगा, भींग जाएगा, और शेष पानी देखना इधर जा रहा है, इधर जा रहा है पानी का बूंद, तो इसे अवशोषित करेगा तब ना आदमी भींगेगा। और अधिकांश भाग को ये पानी टकरा करके विभिन्न दिशाओं में छितरा जाएगा। तो सेम कहानी है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है एवं शेष भाग वायुमंडल में छितरा दिया जाता है। इसे ही कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोलो, समझा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखा जाए इसको। देखो, एक बात कहना भुला गए, प्रकाश जो है वास्तव में है क्या? प्रकाश फोटोन कणों का लगातार एक रैखिक समूह है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे ये सूर्य है, इससे जो प्रकाश निकलता है तो सीधी रेखा में, अब यहाँ से निकला, मान लो ये इस रूप में निकला, तो फोटोन एक प्रकार का चमकीला कण है, जिसकी रफ्तार कितना है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। फोटोन एक प्रकार का चमकीला कण होता है,
इसी कणों के रैखिक समूह, रैखिक समूह मतलब यहाँ से एक फोटोन का निकला उसका रफ्तार कितना होता है, तो एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर जाएगा। अब जैसे देखो ये है फोटोन कण, एक फोटोन कण निकला, ये सूर्य है इससे, तो एक सेकंड में 3,00,000 किलोमीटर। इसके पीछे ठीक तुरंत दूसरा निकला, तो इस तरह से फोटोन कण आगे पीछे एक सरल रेखा में चलता है। इसी सरल रेखा का नाम है प्रकाश का किरण। प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलता है उस सरल रेखा को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। अब जैसे यहाँ से कल्पना करो, ये एक बर्तन में चीनी भरी हुई है, यहाँ से चीनी एकाएक, एक ठो चीनी नहीं निकलेगा, चीनी का कण जैसे ऐसे निकलने लगा, तो देखो तो कितना चीनी का कणों का ये लगातार समूह बन जाएगा। तो प्रकाश का किरण वास्तव में क्या है, तो फोटोन कण से बना होता है, ये चमकीला होता है। अब ये सूर्य पृथ्वी, ये सूर्य हम लोगों के लिए, पृथ्वीवासी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा का। तो वास्तव में ये किरण, प्रकाश, फोटोन कणों का लगातार समूह, लगातार समूह का अर्थ हुआ, अब ये प्रकाश की किरण जा रही है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अरबों की संख्या, खरबों की संख्या में एक के पीछे एक, जैसे जानवर का कतार नहीं निकलता है या विद्यार्थी निकलता है, तो ये विद्यार्थी का एक समूह बन गया, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से 100 विद्यार्थी एक पंक्ति में निकल रहा है। इसी तरह फोटोन कणों का ये समूह होता है, जिस कण का रफ्तार कितना होता है, चाल कितनी होती है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। आगे में धूलकण आएगा तो धूलकण से टकरा करके प्रकीर्णन में देखो होता क्या है, तो इतना तो समझ गया फोटोन कणों का समूह है। उसका आकार कितना कण है, कण का आकार कैसा होता है, गोली है नहीं, और ये चमकता है जिसके कारण उससे मतलब प्रकाश निकलती है, ऐसा कण है, वो सब अभी नहीं पढ़ना है। सूक्ष्म कण है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब छितराने वाली बात उदाहरण दिए ना, आगे पीछे में ये एक कतार में मान लो कोई अनाज को ही गिराओगे, यहाँ पर एक पत्थर रख दो, ये खड़ा है पत्थर, एक बांस के ऊपर में पत्थर है, तो ये गिरता हुआ चीनी का कण इस पर पड़ेगा तो इधर भागेगा, तो ये बात होती है। अगर पानी का कण इसको मान लोगे तो इसको ये पत्थर पर जो ये कण गिरेंगे पानी के, तो ये पत्थर भींग जाएगा, कहेंगे पानी का कुछ कण अवशोषित कर लिया पत्थर और शेष को बिखेर दिया चारों तरफ छितराना। धूलकण भी प्रकाश को आंशिक रूप से थोड़ी मात्रा में अवशोषित करता है और शेष को छितरा देता है, क्योंकि ये कण है। अब यहाँ पर मान लो ये प्रकाश की किरण है ए से बी तक, तो ए से बी तक खरबों कण है ना आगे पीछे, तो इस कण को चीनी का कण मान लो, तो यहाँ से तू गिराओगे तो एक कतार में सीधे नीचे की ओर आ रहा है, जब इस पर गिरेगा तो ये छितराएगा, तो सेम कहानी है। इसको हम लिख देते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रकीर्णन की परिभाषा हम लिख दिए हैं, ये जो है पूरा पढ़ोगे ना तो प्रकीर्णन की परिभाषा ये हो गई, इतना समझो, सिंपल है, अपने मन से भी लिख सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2, हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है, तो लोग पल पल देखते हो, जैसे मान लो इस रूम का गेट खोल दिया जाए और बल्ब का लाइन काट दिया जाए तो इस रूम में प्रकाश की किरण नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे को देख लेते हैं। अरे रूम के बाहर या खुले मैदान में या खुली आकाश, मतलब खुली आकाश में ही, हम लोग अगर बंद सिस्टम में नहीं है, किसी भी रूम का खिड़की खोलोगे
तो रूम में प्रकाश की किरण सीधी नहीं आती है, दरवाज़ा खोल दो। तो दरवाज़ा और खिड़की खोल देने मात्र से रूम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को हम लोग एक दूसरे को सभी व्यक्ति एक दूसरे को स्पष्ट देखता है, रूम में रखा हुआ सामान भी दिखाई देता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो इसी प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो हम लोग रूम में दरवाज़ा भी खोल देते दिन के समय में, तो पर भी रूम में अंधकार रहता, एक दूसरे को नहीं देख पाते। तो कैसे देख पाते हैं? तो जैसे मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य से तो विभिन्न दिशाओं में सीधी किरणें निकलती हैं। तो चलो हम लोग एक ही किरण का उदाहरण लेते हैं, ये जहाँ पर ये वायु के कणों से टकराया तो ये तुमको कई किरण एक साथ निकलता है। तो ये टकराया, इसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया और बाकी छितरा गया। तो ये छितराएगा तो अब यहाँ पर एक रूम है, रूम का दरवाज़ा तो बंद रखोगे तब तो ये टकरा करके फिर इधर चला जाएगा, कुछ अंश ये दरवाज़ा अवशोषित कर लेगा। अगर रूम मान लो चलो खोल दिए हैं तो ये प्रकीर्णित किरण प्रकीर्णन से होता है, प्रकीर्णित किरण स्कैटर्ड लाइट। तो ये प्रकीर्णित किरण जिसका स्कैटरिंग हो चुका है ये रूम में प्रवेश करता है और इस तरह से रूम में हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। अगर ये किरण नहीं प्रवेश करेगा तो नहीं देखेंगे। तो इसका अर्थ है हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। बोलो तो इस रूम में कोई आदमी बैठा हुआ है, चार आदमी बैठा हुआ है तो एक दूसरे को देख रहा है, क्यों देख रहा है? इसी प्रकीर्णित किरण के कारण, बिखरे हुए किरण के कारण। अब फिर रूम बंद कर देते हैं तो रूम में एक ही किरण थोड़ी जाएगा, ऐसा तो उदाहरण दिए अरबों खरबों में, मतलब खरबों खरब की संख्या में वायुमंडल में अणु है। अब ये है, इसके बगल में तो और है, इसके बगल में तो और है, तो किरण भी ऐसे टाइम में खराब हो जाएगा। हाँ, प्रकीर्णित किरण सूर्य से आने वाली सीधी किरणें नहीं, बल्कि ये जो बिखरी हुई छितराई हुई किरणें होती है ये कमजोर होती है, क्योंकि अब खरबों खरब कण है तो इस कण का, ये कण जो है खरबों खरब, तो उसका कुछ भाग अवशोषित भी होगा, होगा ना? तो अवशोषित होगा, जैसे फिर वही उदाहरण लो, ये कोई चीनी का भंडार है, इससे निकल रहा है, यहाँ पर एक पत्थर का गोला रखा हुआ है, इस पर टकराएगा तो कुछ इधर भागेगा, कुछ इधर भागेगा, कुछ यहाँ पर खड़ा है कोई व्यक्ति तो इधर भी आएगा। तो ये प्रकीर्णित किरणें हमारे रूम में प्रवेश करती है, जिसके कारण सूर्य की किरण रूम में सीधे तो नहीं आता है, लेकिन प्रकीर्णित किरण जो आते हैं उसी के कारण रूम में हम लोग एक दूसरे को देख पाते हैं। समझ। अब ये प्रकीर्णित किरण यहाँ बैठा हुआ आदमी पर आकर के टकराएगा, यहाँ पर दूसरा बैठा है तो उसकी आंख पर पड़ेगा तो इसको देखेगा। जैसे हम लोग एक दूसरे को या किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, ये पिछले ही पाठ में बतला दिए हैं। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो टकराकर हमारी आँखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर समझा? सब समझ गया? पहला पर ही आधारित है, इसको हम लिख देते हैं। लिख दिए हैं, सूर्य या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों का वायुमंडल में प्रकीर्णन होता है और ये प्रकीर्णित किरणें या छितराई किरणें हमारे रूम में प्रवेश करती है, जिसके कारण हम उन वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिन पर सूर्य की किरणें सीधा नहीं पड़ता है। समझ गया? इजी है। अब नेक्स्ट पार्ट में तुम लोगों को किरण का डिफिनीशन और किरण कितने तरह के होते हैं ये बतलाना है।